दोस्तों, अगर आप भी अपने YouTube चैनल पर इस तरीके से सॉन्ग्स की लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं और अपने सब्सक्राइबर्स और प्लस अपना वॉच टाइम इंक्रीज करना चाहते हैं, तो यार आज की इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखते रहिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यही बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे अपने YouTube चैनल पर सॉन्ग्स की लाइव स्ट्रीमिंग करके अपना वॉच टाइम प्लस अपने सब्सक्राइबर्स प्लस उससे अर्निंग कैसे कर सकते हैं। सो गाइस, देखो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो यार आज के इस वीडियो को स्किप मत करना। और एक बात और कि अगर आप लोग हमारे चैनल के पुराने व्यूवर्स हैं, तो आप सभी को पता होगा कि मैंने यहाँ पर अभी 2 महीने पहले एक वीडियो बनाया था और वो वीडियो ये है रहा। और इस वाले वीडियो में मैंने आप सभी को ये बताया था कि आप लोग कैसे अपने YouTube चैनल पर इन चैनल्स की तरह लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, प्लस उससे कैसे वॉच टाइम इंक्रीज कर सकते हैं एंड सब्सक्राइबर कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैंने आप सभी लोगों के लिए इसके बारे में अपनी इस वाली वीडियो बता दिया था, बट मैंने प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाया था। तो काफी सारे लोगों ने कॉमेंट किया कि सर इस पर वीडियो बनाओ, हमें सेकेंड पार्ट दो। तो मैंने यहाँ पर एक टारगेट भी रखा था 100 लाइक्स का, जो आप लोगों ने पूरा करा दिया। एंड मैंने कहा था कि अगर इस वीडियो पर 100 लाइक्स आ जाते हैं तो यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू यार, बिकॉज इस पर 100 लाइक्स के ज्यादा ही हो चुके हैं और ये सब कुछ आपकी बदौलत ही हुआ है। तो यार ऐसे सपोर्ट करते रहा करो, ताकि मोटिवेशन मिला करे ऐसी और वीडियोस बनाने का, ठीक है ना। तो फाइनली आज की जो वीडियो होने वाली है वो इसका सेकंड पार्ट होने वाला है। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे इन सॉन्ग्स की तरह लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं अपने चैनल पर, प्लस वॉच टाइम कैसे इंक्रीज होगा, सब्सक्राइबर्स कैसे आएंगे, वो सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। प्लस अर्निंग कैसे होगी वो भी आप सभी को बताऊंगा, ठीक है ना। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखते रहिएगा। सो हेलो गाइस, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वाई टेकिंग पंकज में। सो गाइस, चैनल पर न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को एंड बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि सारी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले आ सके। अभी गाइस देखो, यहाँ पर 80% जो लोग हैं वो वीडियो को देख करके चले जाते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दिया करो, बिकॉज बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और ये वीडियो तीसरी बार शूट कर रहा हूं, तो कहीं जाकर के यहां पर प्रॉपर बन रही है, वरना 2 बार गलत बन गई थी यार। तो उसके लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और एम रखते हैं इस वीडियो पर 100 लाइक्स का, आई होप आप लोग वो भी करा दोगे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस देखो, यहाँ पर दो चीज समझ लो। फर्स्ट चीज यहाँ पर ये है कि जिनके पास लैपटॉप कंप्यूटर या फिर डेस्कटॉप है वही लोग आज की इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ वो लैपटॉप वालों के लिए, कंप्यूटर वालों के लिए और डेस्कटॉप वालों के लिए बताने वाला हूँ। जिनके पास मोबाइल फोन है वो लोग वेट करें, और उन लोगों को करना कुछ नहीं है, उन लोगों को चले जाना है यूट्यूब पर। और यूट्यूब पर जाने के बाद आप लोग हमारा एक दूसरा चैनल जिसका नाम वाई टेक पंकज, उसको जाकर के सब्सक्राइब कर लो। एंड जो थर्ड पार्ट आने वाला है वो इसी पर आने वाला है, और मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे मोबाइल में लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं सॉन्ग्स की, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अभी चल लेते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस देखो, यहाँ पर आप सभी को लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, आपको यहाँ पर 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला स्टेप यह है कि आपको अपने लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है OBS स्टूडियो। आप लोग गूगल पे आकर सर्च कर लीजिएगा OBS स्टूडियो, और फर्स्ट नंबर पर ये साइट आ जाएगी। सिंपली इस पर क्लिक करो और इसको ओपन कर लो। ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर आपको विंडोज पर क्लिक कर देना है, अगर आपका मैकबुक है तो आप लोग उस पर क्लिक कर सकते हैं, बाकी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हो तो उस पर क्लिक कर लेना, ठीक है ना। तो मैंने विंडोज पर क्लिक कर लिया। क्लिक कर लेने के बाद ये हमारा डाउनलोड होना यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, 72 MB का है। तो मैंने इसको पहले से डाउनलोड कर लिया है, तो मैं इस पर क्या करूंगा, पॉज कर लेता हूँ और इसको सिंपली कैंसिल पर क्लिक करके कैंसिल कर देता हूँ। और जब आप लोग उसको डाउनलोड कर लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस पर डबल क्लिक करके इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल वगैरह कर लेना। जो लोग मतलब आप लोग करी लोग इतने तो समझदार हो ही लगी रहा है देखने से, तो यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, ये आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया। इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लीजिएगा और ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। अभी मैं कुछ समय पहले यहाँ पर जो है लाइव स्ट्रीमिंग कर ही रहा था, ठीक है ना। तो जब आप लोग इसको ओपन कर लोगे तो ये कुछ इस तरीके देखने को मिलेगा। एक सेकंड रुकना, मैं इनको डिलीट कर दूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ पर मतलब ट्राई कर रहा था कि कैसे यहाँ पर आपको बताऊंगा मैं, क्योंकि 2 बार बना चुका था वीडियो तो यार ये हो गया था सारा। तो जब आप लोग यहाँ पर मतलब फर्स्ट टाइम इसको ओपन करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेप हमारा पूरा हो चुका, अब हमें चलना है सेकंड स्टेप पर। सेकंड स्टेप आपसे करने का है, आपको जाना है यूट्यूब पर और यहाँ पर आप लोगों को सॉन्ग्स को सर्च करना है। अब आप लोग यहाँ पर कौन से सॉन्ग्स का इस्तेमाल करने वाले वो आप लोग यहाँ पर देख लेना। गाइस देखो, यहाँ पर आपको कवर सॉन्ग्स इस्तेमाल करने हैं। जैसे कि मान लो कि कोई नया सॉन्ग आया, अब एक नया सॉन्ग आया है कि तारे उसके हाथ में होने ही चाहिए, जुगनू भी उसके साथ में सोने भी चाहिए, ऐसे करके कोई गाना था, ठीक है ना। तो ये गाना ओरिजिनल गाना अलग हो गया। अब आप लोगों को करने का है इसी गाने का कवर सॉन्ग निकालना है। तो वो आप लोग कैसे निकालोगे, यूट्यूब पर सर्च करके। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कवर सॉन्ग बना देते हैं, ठीक है ना, दूसरे तीसरे दिन के बाद। तो आप लोग उनका इस्तेमाल कीजिएगा, आपको मेन सॉन्ग्स का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। कर भी सकते हो लेकिन जब आपका चैनल थोड़ा बड़ा हो जाए तब कर लेना, शुरू में मत करना, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया कवर
सॉन्ग्स, ये मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया। अब देखो यहाँ पर कितने सारे कवर सॉन्ग्स आ चुके हैं, आप लोग इस प्लेलिस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत सारे कवर सॉन्ग्स आपको मिल जाएंगे। और आप लोग ऐसे यूट्यूबर्स को सब्सक्राइब करके रख लीजिए जो कवर सॉन्ग्स बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लोग आपको क्लेम वगैरह नहीं देते, क्लेम दे देते हैं वो स्टाइप वगैरह वो कभी भी आपको नहीं देंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने मान लिया कि कम से कम 20 कवर सॉन्ग्स आप लोगों ने क्या कर लिए, डाउनलोड कर लिए MP3 में। अब आप लोग क्या करेंगे, आपके पास अगर कोई भी सॉफ्टवेयर है या फिर कोई आप लोग एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं सॉफ्टवेयर मतलब वीडियो एडिटिंग करने के लिए, तो आप लोग उसको ओपन करिए, और ओपन कर लेने के बाद आप लोग क्या करिए, बहुत सारे जो सॉन्ग्स आप लोग डाउनलोड करें उनको मर्ज करके एक पूरी प्लेलिस्ट बना लो, कम से कम एक आध घंटे की, एक आध घंटे की बना लो, क्योंकि आपकी जो लाइव स्ट्रीम रहेगी वो कम से कम एक घंटे की तो रहेगी ही रहेगी, ठीक है ना। तो आपको सिंपल उसको क्या करना है, मतलब कि एक प्लेलिस्ट मतलब कि एक पूरी प्रॉपर 20-25 सॉन्ग्स का कलेक्शन आपको इकट्ठा कर लेना है। या अगर आप लोग ये सब कुछ नहीं करना चाहते तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आपको सिंपली आना है यूट्यूब पर और आप लोग यहां पर लिखेंगे हिंदी सॉन्ग्स लाइव स्ट्रीमिंग, मैं यहां पर लिखता हूं हिंदी सॉन्ग्स लाइव स्ट्रीमिंग, ठीक है। तो बहुत सारे जो चैनल्स हैं वो लोग यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इन्हीं चैनल्स के जो सॉन्ग्स हैं वो उठा सकते हैं। आप कैसे करके उठाओगे वो आप लोग यहाँ पर देख लो, जैसे कि मान लो कि ये जो है चैनल है बॉलीवुड हिट सॉन्ग्स, ये यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। मैंने क्या किया, इनकी वीडियोज पर क्लिक किया, गाइस यहाँ पर आप लोग खुद देख सकते हैं कि इनके 100K+ सब्सक्राइबर्स हैं, बिकॉज इनको वेरीफाइड बैज मिला हुआ है। तो देख सकते हैं कि यार इनमें कितना पोटेंशियल है, प्लस इस पर व्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। तो देख लो, मान लो कि मैं यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला इन्होंने सॉन्ग यहाँ पर डाल के रखा हुआ है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इसका जो लिंक होगा वो यहाँ से कॉपी करूंगा। कॉपी कर लेने के बाद हमें जाना है गूगल पर और मैं यहाँ पर लिखूंगा यूट्यूब MP3 डाउनलोडर, आपको भी ये सब कुछ लिख देना है और कोई सी भी साइट ओपन कर लो। जैसे कि मैंने इसको ओपन कर लिया, यहाँ पर लिंकों को मैं पेस्ट कर देता हूँ, कन्वर्ट MP3 पर क्लिक कर देता हूँ, देन डाउनलोड पर हम इस तरीके से क्लिक कर देंगे। क्लिक कर लेने का ये हमारा डाउनलोड होना यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और ये 55 MB का है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, आपको अगेन गूगल पर जाना, आप लोग यहाँ पर सर्च करेंगे यूट्यूब थंबनेल डाउनलोडर, तो जो आपने सॉन्ग यहाँ पर डाउनलोड कर रहे हैं आपको उसी का थंबनेल जो है वो यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। तो मैं क्या करूंगा, इसका जो लिंक होगा वो यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, और ये थंबनेल हमारा जो है ये है, ये थोड़ा सा मतलब HD क्वालिटी में नहीं है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या कर लेना, इस थंबनेल को डाउनलोड वगैरह कर लीजिएगा। डाउनलोड कर लेने के बाद आपको अगला कार्य क्या करना है वो आप लोग यहाँ पर देख लो, आपके 3 स्टेप यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। अगला काम आपको ये करना है कि आपको चले जाना होगा अपने चैनल के डैशबोर्ड पर, जिस पर भी आपको लाइव स्ट्रीमिंग करनी है। अब अगर आप लोगों का कोई भी नया चैनल है तो आप उसमें लाइव स्ट्रीमिंग इनेबल होने में 24 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। मेरा चैनल थोड़ा ओल्ड है तो यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग का जो ऑप्शन है वो इनेबल है। तो आप लोगों को करना है कुछ नहीं है, अपने चैनल के डैशबोर्ड में आ जाना होगा और यहाँ पर आपको इस लाइव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर करना क्या है वो चीज आप लोग यहाँ पर देख लेना। यहां पर आपको फर्स्ट नंबर पर क्लिक करना है स्ट्रीम पर, और यहां पर आप लोग एडिट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये देखो एडिट लिखा हुआ है, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक कर लेने के बाद यहां पर आप लोगों को जो सॉन्ग है उसका टाइटल डालना है। तो मैंने क्या किया था, इस सॉन्ग का जो है मैंने टाइटल कॉपी करा था, ठीक है ना। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इस सॉन्ग को ओपन कर लूंगा और इसका जो टाइटल है वो यहां से मैं क्या कर लूंगा, कॉपी कर लूंगा। कॉपी कर लेने के बाद मैं यहां पर जाऊंगा डैशबोर्ड में, यहां पर इस तरीके से पेस्ट कर दूंगा, एंड इसी वाले टाइटल को मैं क्या करूंगा यहां पर भी पेस्ट कर दूंगा। अब यहां पर आप लोग अगला काम क्या करेंगे, अगर आप लोगों का कोई दूसरा चैनल है तो आप लोग क्या करेंगे, सेकंड चैनल का जो लिंक है वो यहां पर दे देंगे और सब्सक्राइब करने के लिए बोलेंगे। या फिर आप लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, Amazon अफिलिएट मार्केटिंग आप लोग यहां पर कर सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर आप लोग जो है वो सॉन्ग सुनने के लिए ईयरफोन के लिंक दे सकते हैं, ठीक है ना। अगली चीज क्या हो गया, ईयरबड्स के लिंक दे सकते हैं, अफिलिएट लिंक, ठीक है ना, हेडफोन के लिंक दे सकते हैं, मतलब कि जो भी सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं ईयरफोन लगा करके, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उन प्रोडक्ट के जो अफिलिएट लिंक है वो आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। अब जब भी बंदा आपके मतलब इस वीडियो पर आएगा लाइव सॉन्ग सुनने के लिए, तो डेफिनेटली वो डिस्क्रिप्शन चेक करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर आपके लिंक पर क्लिक करके अगर वो किसी प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है तो यहाँ पर आपको जो है वो अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी। अभी देखो यहाँ पर आप लोग जो है वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्रमोट कर सकते हैं, फेसबुक पेज को प्रमोट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको काफी अच्छा खासा ट्रैफिक मिलने वाला है, काफी अच्छे खासे व्यूज आपके यहाँ पर आने वाले हैं, बिकॉज इस टॉपिक पर बहुत ही कम बंदे काम कर रहे हैं और इस पर शायद ही यूट्यूब पर कोई वीडियो अवेलेबल है। मैंने चेक किया तो किसी ने भी वीडियो नहीं बनाई हुई है, ठीक है। तो यार सपोर्ट करना, बोलते बोलते थक गया मैं, 9 मिनट की वीडियो हो गई पूरे,
तो ये आप लोगों ने यहाँ पर क्या किया, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी। और यहाँ पर जिन जिन के भी आप लोग सॉन्ग इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोग चाहें तो यहाँ पर कॉपीराइट डिस्क्लेमर लगा सकते हैं। आप जो वीडियो देख रहे हैं इसी वीडियो में आपको बिल्कुल लास्ट में एक कॉपीराइट डिस्क्लेमर का एक काफी ज्यादा टेक्स्ट मिलेगा, आप लोग उसको कॉपी करके अपने यहाँ पर डाल देना, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा काम कर लेने के बाद आपको यहाँ पर पब्लिक, इसको क्लिक करना है, इसको पब्लिक कर देना है। पब्लिक कर देने का यहाँ पर आपको करना है कुछ, नीचे आना है और यहाँ पर आपको कैटेगरी चूज करनी है। मैंने यहाँ पर म्यूजिक चूज कर रखा है। देन यहाँ पर आप लोगों को थंबनेल लगाना है, तो आप लोग उस पर क्लिक करेंगे, इस पर आपको क्लिक करना है और आप लोग यहाँ पर थंबनेल को चूज करके उसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पर आपको जो थंबनेल होगा वो लग जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे आना है और अगर आपकी कोई प्लेलिस्ट है तो आप लोग उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं इस सॉन्ग को, या फिर आप लोग नई प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं उस पर क्लिक करके, ठीक है। देन आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको जो है वो टेक्स्ट वगैरह डालने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर 5 टेक्स्ट डाल करके रखे हुए हैं, तो यहाँ पर डाल देता हूँ जैसे कि जस मानक सॉन्ग्स, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर ये डाल दिया और भी आप लोग टेक्स्ट वगैरह डाल सकते हैं। अब टेक्स्ट वगैरह कैसे डालते हैं ये मैंने आप लोगों के लिए अपने इस वाले चैनल बता दिया है, तो जाओ यहाँ पर और ये वाली वीडियो देख लेना, ठीक है ना। और एक क्लिक में आप लोग बैरल टेक्स्ट पता कर सकते हैं, तो जाकर के देख लेना, आपको काफी यहाँ पर हेल्प मिल जाएगी, ठीक है ना। तो सब कुछ यार मैंने पहले से बना करके रखा हुआ है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आ भी रही है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर कॉमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपकी हेल्प तुरंत कर दूंगा। यहाँ पर आप लोग को वीडियो की लैंग्वेज चूज करनी है, आपकी टाइटल और जो डिस्क्रिप्शन है वो किस लैंग्वेज में वो आप लोग यहाँ पर आकर के चूज कर लो। और यहाँ पर आप लोग रिकॉर्डिंग डेट चूज कर सकते हो, 14 तारीख है आज, ठीक है। ये सारा काम कर लेने के बाद यहाँ पर आप लोग लाइव चैट पर क्लिक करके, अगर आपको अलाउ लाइव चैट टू रिप्लाई पर क्लिक करना है तो उस पर क्लिक कर सकते हैं, वो ऐसे क्लिक रहने देना और सेव पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपका फर्स्ट जो काम है पूरा हो चुका है। अब आप लोगों को करना है कुछ नहीं है, आपको आ जाना है OBS स्टूडियो में। यहाँ पर आ जाने के बाद आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है प्लस पर, और यहाँ पर आपको सीन वन क्रिएट कर लेना है। मैंने पहले से क्रिएट कर रखा था, तो यहाँ पर क्रिएट है हमारा सीन वन। क्रिएट कर लेने के बाद यहाँ पर आपको इस वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके आपको इमेज पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है, यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इमेज चूज करनी है, जो लोग जिसका भी आप लोग यहाँ पर सॉन्ग प्ले कर रहे हैं। ये मैंने क्लिक कर लिया, ओके पर क्लिक कर लिया और इसको हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड पर आपको प्रेस करना है कंट्रोल, और कंट्रोल प्रेस करने के साथ साथ आप लोग माउस के साथ इसको क्या करेंगे, सेट करेंगे इस तरीके से, और पूरी स्क्रीन पर इसको इस तरीके से शो करा देना है, ठीक है ना। तो ये हमारा काम हो चुका है। अगला काम आपको क्या करना है, प्लस पर क्लिक करना है, यहाँ पर आप लोग को मीडिया सोर्स पर क्लिक करना है और ओके पर क्लिक करना है, और जो भी आपने यहाँ पर MP3 का सॉन्ग डाउनलोड करे थे उसको आप लोग क्या करेंगे, ब्राउज पर क्लिक करके यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लूप पर क्लिक कर देना है, ताकि सारे के सारे सॉन्ग्स कंप्लीट हो जाने के बाद दोबारा से वो प्ले हो जाए, ठीक है। इतना काम कर लेने के बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है, ये काम आपका हो गया। अब अगर आप लोगों को सब्सक्राइब का बटन लगाना है, जैसे कि प्लस पर क्लिक करो, इमेज पर क्लिक करो, ओके पर क्लिक करो, ब्राउज पर क्लिक करो, और जैसे कि मान लो कि आपको सब्सक्राइब बटन ऐड करना है तो सब्सक्राइब पर क्लिक करो, ये आपको गूगल पर मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग गूगल पर जाकर सर्च कर लेना सब्सक्राइब बटन, तो ये आपको मिल जाएगा, इसको सेलेक्ट करके ओपन कर लो, ओके कर लो, और अगेन आपको इसको क्या करना है, कंट्रोल के साथ इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग सेट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। तो मैं इसको इतना रहने देता हूँ, सब्सक्राइब को यहाँ पर इस तरीके से लगा देता हूँ, ठीक है ना, और थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसको इस तरीके से यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। ये मैंने ऐड कर दिया। देन अगेन आपको कुछ और ऐड करना है, जैसे कि कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो प्लस पर क्लिक करो, टेक्स्ट पर क्लिक करो, ओके पर क्लिक करो, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लाइव, LIVE लाइव, मैंने इस तरीके से लिख दिया कैपिटल LIVE, और यहाँ पर हम एरियल पर क्लिक करके यहाँ पर इसका जो फॉन्ट वगैरह है वो चेंज कर लेते हैं, जैसे कि मैंने ये वाला फॉन्ट इसका कर लिया, ये वाला, ठीक है, ओके पर क्लिक कर लेता हूँ। ये लाइव हमारा लिखा हुआ आ चुका है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉन्ट का जो कलर है वो चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट का जो कलर है वो इस तरीके इसको रेड कर देता हूँ। देन ओके पर मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है ना। देन अगर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप लोग इस पर क्लिक करके बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, मैं ये कर देता हूँ, ओके पर क्लिक किया, और यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड ओपेसिटी बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। आउटलाइन करना है आउटलाइन कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। देन ओके पर क्लिक कर देना और इसको उठा करके आप लोग यहाँ पर कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके सेट कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं लाइव इस तरीके से यहाँ पर इसको लगा देता हूँ। तो ये हमने, ये हमारा जो है वो चारों स्टेप पूरे हो चुके हैं। अब हमारा जो लास्ट स्टेप बचा है वो आप लोग यहाँ पर देख लो, आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक कर लेने का यहाँ पर आपको स्ट्रीम पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको यूट्यूब गेमिंग पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको स्ट्रीम की डालनी है। वो कहाँ पर मिलेगी, वो मिलेगी आपको आपके चैनल पर, तो आपको अपने चैनल पर चले जाना होगा, और यहाँ पर आपको देखो ये स्ट्रीम की मिल रही है, इसको कॉपी कर लो, और इसको आपको किसी का शेयर नहीं करना है, किसी को बताना नहीं है, वरना कोई भी आपके चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग कर देगा। तो मैंने सिंपली इसको क्या किया, कॉपी किया, यहाँ पर हम आए और यहाँ पर मैंने जो स्ट्रीम किया उसको कंट्रोल भी करके पेस्ट कर दिया। अप्लाई पर क्लिक कर देंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे, हमारा काम यहाँ पर हो चुका है। अब हमें यहाँ पर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, अब बस हमारा हम क्या करना है, हमें यहाँ पर स्टार्ट स्ट्रीम पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर हमारी जो स्ट्रीमिंग होगी वो हमारे चैनल पर स्टार्ट हो जाएगी। अभी गाइस देखो यहाँ पर जो है
ग्रीन कलर का सिंबल आ रहा है, इसका मतलब यह है कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है बहुत ही सही है और लाइव स्ट्रीमिंग में कोई दिक्कत वगैरह नहीं हो रही है। अगर यहाँ पर ग्रीन कलर का सॉरी ब्लू कलर का सिंबल आए तो मतलब कि स्ट्रीमिंग थोड़ी हल्की हो गई है और क्वालिटी उसकी गिर चुकी है, और अगर रेड कलर का यहाँ पर सिंबल आ रहा है तो मतलब स्ट्रीमिंग बंद हो चुकी है और इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही ज्यादा बेकार है। तो अभी मेरा इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही सही है, इसलिए यहाँ पर ग्रीन कलर का सिग्नल आ रहा है। और यहाँ पर एक चीज और याद रख लेना कि यहाँ पर आप लोगों के लिए MIC मिक और ऑक्स इसको आपको बंद करके रखना है, ये आपका ओपन होगा इसको इस तरीके से बंद करना है, और जो डेस्कटॉप ऑडियो है इसको भी आपको बंद करके रखना है, केवल मीडिया सोर्स जो आपने ऐड करा हुआ है उसकी वॉइस को आपको ओपन करके रखना है, ठीक है ना। अगर आप लोग ऑडियो डेस्कटॉप ऑडियो को ओपन कर दोगे तो आप लोग डेस्कटॉप में जो भी काम करोगे उसकी ऑडियो भी सुनाई देगी, तो आपको इसको और नीचे वाले को बंद करना है, केवल मीडिया सोर्स वाली जो वॉइस है उसको ओपन करके रखना है, ठीक है गाइस। तो बस जितना बताना था आपको बता दिया, अब आप लोग जाकर के चैनल पर देख लो कि आपके चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो चुकी है 50 सेकंड पहले, और यहाँ पर दो लोग अभी देख रहे हैं, एक लाइक हमें मिल चुका है, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोग लाइव वगैरह देख सकते हैं कौन कौन यहाँ पर कॉमेंट कर रहा है। या आप लोग क्या करेंगे, अपने चैनल पर जाइए, यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ अपना चैनल बरेली वाला, ठीक है, बरेली वाला मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया। सर्च कर लेने के बाद यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि लाइव हमारे चल रहे हैं और दो की हमारे पास वॉचिंग भी आ रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सब कुछ था गाइस, तो आप लोग करिए लाइव स्ट्रीमिंग, और ये लैपटॉप डेस्कटॉप जिनके पास है उनके लिए बताया। अब जो सेकंड वीडियो आएगी, मतलब कि थर्ड जो वीडियो आएगी वो आएगी वाईडीटेक पंकज वाले चैनल पर, और इस पर मैं आपसे ये बताऊंगा आप लोग मोबाइल से कैसे लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। तो फटाफट जाओ सब्सक्राइब कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर आप कुछ पूछना वगैरह हो या फिर कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट कर देना, या इंस्टाग्राम पर जाकर के फॉलो कर लेना, सब कुछ आप सभी को मैं वहां पर बता दूंगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैंने अपडेट दे दिया था कि जो वीडियो आने वाली है वो 12 बजे आपको मिल जाएगी, तो इसको भी यार ज्यादा सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोग सभी नोटिफिकेशन समय से पा चुके। तो आज की इस वीडियो बस इतना ही, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, बाकी बोलते बोलते बहुत ज्यादा थक गया हूं, तो सब्सक्राइब लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक गुड बाय, जय हिंद जय भारत।